नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आरएसपुरा बिछना अपडेट और मैं हूं साहिल कुमार। दर्शकों, जो आरएसपुरा म्यूनसिपल कमेटी है, यहां पे पूरे टाउन में आरएसपुरा में इस वक्त देखा जाए तो जो बिजली है ये मेन समस्या बनी हुई है। वैसे तो ये हर साल मुद्दा उठाया जाता है कि बिजली नहीं आती। इसी के बीच हमारे साथ बात करने के लिए म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन सतपाल पप्पी जी मौजूद हैं। इनसे रूबरू करवाते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या कारण है। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, हमें बताइए, आपको 6 महीने हो गया। आपको पहले बताइए कि किन किन मुद्दे हैं आपको जो लग रहा है कि म्यूनसिपल कमेटी की मेन प्रॉब्लम्स थी। देखिए, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट मुद्दा है वो तो बिजली का ही है, लाइट का ही है। और उसके बाद सेकेंडली हमारा यहाँ टाउन के अंदर पीने के पानी का है, जो स्वच्छ और साफ पानी चाहिए। और उसके बाद आने वाले दिनों में बरसात में शहर के जो नाले हैं उसकी सफाई का था। तो शहर के जो नाले हैं उसकी सफाई का काम हमने अपनी जेसीबी से भी और प्राइवेट जेसीबी से भी हमने दिन रात लगा के उसको सफाई कर रहे हैं। हमारे सफाई कर्मचारी भी अलर्ट है, हमारा स्टाफ भी अलर्ट है। ये सभी लोग धूप में, छाया में, सुबह शाम म्यूनसिपल्टी की जो नालों की सफाई है उसमें ये लगे हुए हैं, ताकि बरसात से पहले पहले नाले पूरे साफ़ हो जाएं और आने वाली बरसात में हमें कोई परेशानी ना हो। तो दूसरा पीने के पानी की समस्या है, उसके लिए बहुत सारी वार्डों के अंदर हमने पीएचसी की जो पाइप है वो डलवा दी है, और बहुत सारी वार्डों के अंदर अभी रहती है। उसमें भी हमने म्यूनसिपल्टी के माध्यम से लेटर लिखे हैं और ये बहुत जल्द पूरे टाउन के अंदर पीएचसी की पाइप जो है वो लग जाएगी और पीने के पानी की व्यवस्था भी टाउन की हम करवाएंगे। म्यूनसिपल्टी की जिम्मेवारी उनके नाते। और जो आज बर्निंग पॉइंट जो इस समय बना हुआ है वो है बिजली का, लाइट का। तो बिजली को लेकर इस बार नहीं, हर बार गर्मियों के दिनों में ये परेशानी होती है। सबसे ज़्यादा तो हम समझते हैं कि इंद्र देवता जी हमारे आरएसपुरा के ऊपर अगर वो दयाल हों तो बढ़िया, एक खूब बारिश हो, वो बारिश से टाउन की बिजली भी अच्छी हो जाएगी और लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत भी मिलेगी। उसके साथ साथ जो बिजली डिपार्टमेंट की अपनी समस्या, अपनी मजबूरियां हैं, उसको तो हम देख भी रहे हैं और मान भी रहे हैं, लेकिन टाउन के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो बिजली की वजह से काफ़ी परेशान हैं। बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, खासकर बीमार हैं कुछ ऐसे परिवारों के अंदर जो लोग बुज़ुर्ग, उनके लिए बड़ी परेशानी है। तो हमने अपने वार्ड के जो टाउन के जीते हुए मेंबर हैं, काउंसलर हैं, उनको साथ लेकर एक्शन साहब से भी अप्रोच की है। हमारे चीफ साहब हैं जो सुधीर गुप्ता जी, उनसे भी अप्रोच की है। और यहाँ तक के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हमारे पीडी डिपार्टमेंट के हैं, उनसे भी हमने मिलकर उनसे भी बैठक की है, मीटिंग की है, उन्हें भी अपनी समस्या, अपनी परेशानी बताई है। तो ये किस कारण हुआ, आरएसपुरा आज दिन तक बिजली का मॉडर्न टाउन बन जाना चाहिए था, क्योंकि आरएसपुरा को स्पेशल बिजली मॉडर्न टाउन में रखा था, लेकिन यहाँ प्राइवेट कंपनी जो काम कर रही थी वो बीच में काम छोड़ के भाग गई। जब हम आला अधिकारियों से मिले तो उन्होंने कहा कि कोई फंड्स की कमी थी, उसकी वजह से इन्हें पेमेंट नहीं हो सकी, ये रास्ते में ही काम छोड़ के चले गए। उनका काम छोड़ के जाना और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटर है पीडीडी डिपार्टमेंट की, वहाँ उनको पेमेंट ना करना, ये उनकी बात है, लेकिन टाउन के लोग इसकी समस्या से जूझ रहे हैं और टाउन के लोगों को ये परेशानी बनी है। तो जब हम आला अधिकारियों से मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 8 दिन के अंदर अंदर दोबारा प्राइवेट कंपनी जो है उसको हम भेजेंगे और वो अब वहाँ पर काम करेगी। और जब प्राइवेट कंपनी अपना आरएसपुरा टाउन के अंदर जो अधूरा काम छोड़ रखा है वो पूर्ण कर देगी, तो मैं समझता हूँ कि आरएसपुरा में बिजली की कोई समस्या नहीं रहेगी। इसके अलावा लोगों का क्या योगदान, क्या आप अवेयरनेस कैंप भी इसके अलावा चला रहे हैं बिजली के ऊपर कि लोग किस तरह से बिजली को बचाएं, सेव करें? देखिए, हमने लोगों से अवेयरनेस करने के लिए अपने वार्ड मेंबरों से भी कहा है, और ख़ुद मैंने एक रिकॉर्डिंग करके अपनी टेप रिकॉर्ड में लगा के गली गली, वार्ड वार्ड में हम भेज रहे हैं कि ये बिजली के संकट से हम सभी लोग जूझ रहे हैं, इसे हम इस तरह से इस्तेमाल करें कि जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करें, इसको अननेसेसरी जो है बिजली वेस्टेज ना करने दें, ना करें। और इसी के साथ हमने लोगों से ये भी डिमांड किया कि नाली नालों को भी ये साफ़ रखें अपने इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से। लेकिन आज आपसे यहाँ आने से पहले 10 मिनट मैंने फिर दोबारा अपने चीफ इंजीनियर साहब से और एक्शन साहब से बात की है, तो एक्शन साहब ने कहा है कि नहीं जी, कल से आपके आरएसपुरा में हमारा जो प्राइवेट वाले लोग हैं वो चले गए हैं, लेकिन मुझे यहाँ दिखे नहीं, ना ही कोई यहाँ आया,
लेकिन उन्होंने कहा है कि हम दोबारा उनसे कंफर्म करके और आपसे बात करवाएंगे, हो सके तो आज ही प्राइवेट कंपनी वाले यहाँ आएंगे और जो उनका काम है वो काम शुरू करें। हमारे आरएसपुरा में बिजली का 10 MVA का एक बड़ा ट्रांसफार्मर लग रहा है, लेकिन वो 10 MVA का ट्रांसफार्मर लगने का हमें बेनिफिट तभी हो सकता है, वो 10 MVA के ट्रांसफार्मर को 33 KV डायरेक्टली मीरा साहब से आरएसपुरा को अलग मिले। अगर हम सुंदरपुर से ही 33 KV लेंगे, सुंदरपुर से ही 33 KV यहाँ आरएसपुरा में लाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। उससे सुंदरपुर यहाँ से हम निकालेंगे लाइट, वहाँ तो वही प्रॉब्लम रहेगी। तो हमने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी और अपने जो चीफ इंजीनियर हैं उनसे भी यही गुजारिश की है और आपके माध्यम से भी यही गुजारिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो आरएसपुरा में 10 MVA का जो प्लेटफॉर्म बन रहा है वहाँ पर 10 MVA के ट्रांसफार्मर लगें और 33 KV डायरेक्टली आरएसपुरा को दें, क्योंकि मेरा आरएसपुरा आज कोई ऐसा परिवार नहीं है जो बिल पे नहीं कर रहा, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसने कनेक्शन नहीं लिया हुआ। अगर कोई ऐसा मिलता है आपको कि इनका कनेक्शन नहीं है या बिल नहीं आ रहा, तो आप उनसे मिलें, वो आरएसपुरा के लोग बिजली का बिल देने को तैयार है, कनेक्शन लेने को तैयार है, तो फिर उन्हें बिजली लाइट जो है वो प्राप्त मात्रा में मिलनी चाहिए। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि लाइट तो यहाँ पे प्रॉपर आती नहीं है जैसा कि सब जानते हैं, बट उनका बिल है जो वो 400 से 500 रुपये तक आ रहा है, तो ये किस तरह की समस्या है? देखिए, इसमें जिन लोगों का ये है कि लाइट नहीं आ रही और बिल प्रॉपरली आ रहा है, वहाँ पर मैं समझता हूँ कि वहाँ तो पर उनके मीटर नहीं लगे होंगे। जिसका मीटर लग गया है उसका तो बिल मीटर के हिसाब से ही आएगा, जिनके मीटर नहीं लगे वो उनको फ्लैट रेट डालते हैं, कनेक्शन तो उनका निकल गया लेकिन कनेक्शन के हिसाब से वो उन्हें फ्लैट रेट के ऊपर बिल भेज देते हैं, लेकिन मीटर उनका नहीं लगा हुआ है इसलिए वो बिल तो आएगा ही जब उसका कनेक्शन है। तो लाइट की जहाँ तक समस्या है, ये मेरे लिए भी है, सभी टाउन के वासियों के लिए भी है, मैं टाउन के वासियों से भी अपील करता हूँ और सरकार को भी ये अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जितनी जल्दी हो आरएसपुरा टाउन के अंदर बिजली की जो समस्या बनी हुई है इसे हल करें, कि ये सबसे पुराना टाउन है, 47 से पहले का ये महाराजा के टाइम की तहसील है ये आरएसपुरा, इसलिए इसकी इसको प्रायोरिटी के ऊपर बिजली की जो समस्या है उसे हल की जाए। और हमारे काउंसलर और मैं खुद, मेरे वाइस प्रेसिडेंट, ये सभी लोग इस दौड़ में लगे हुए हैं। मेरा म्यूनसिपल्टी जो डिपार्टमेंट है ये भी अपनी लाइन से हट के रोज़ कोई ना कोई लेटर लिख के बिजली डिपार्टमेंट को भेज रहा है कि टाउन के अंदर जो बिजली की समस्या है उससे हम भी जूझ रहे हैं, तो इसमें हम बहुत जल्दी मैं समझता हूँ कामयाबी पाएंगे। सर, क्या आपके काउंसलर भी आपके साथ पूरा योगदान दे रहे हैं और वार्ड वार्ड में अपनी अवेयरनेस कर रहे हैं बिजली? आप ये देख ही रहे हैं कि जब हमारा ये जाता है वो लड़का म्यूनसिपल्टी वाला लेके लाउड स्पीकर और गली गली में, और मेरे काउंसलर जो हैं उसका सहयोग करके छोटी छोटी गलियों में उसे भेजते हैं कि इस गली में जाओ, इस गली में जाओ, वो पूरा सहयोग दे रहे हैं कि बिजली के लिए, कि बिजली जो है वो सही मात्रा में जितनी मिलती है उसको सही ढंग से इस्तेमाल करें और उसका सही उपयोग करें, इससे हमें बिजली की जो परेशानी है उससे निजात मिल सके। ये थे हमारे साथ म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन श्री सतपाल पप्पी जी। इन्होंने हमें पूरे तौर से बताया कि बिजली की किस वजह से समस्याएं आ रही हैं, ट्रांसफार्मर की क्या प्रॉब्लम है, और साथ में इन्होंने ये अवेयर भी कर दिया कि लोगों को खास करके बिजली का पूरा सही उपयोग करना चाहिए। कैमरामैन अमन के साथ साहिल कुमार, आरएसपुरा बिश्नोई अपडेट के लिए।